नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक तरफ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर में खुशियों का माहौल है, क्योंकि उनके बेटे तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो पिता बन गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जो जमानत मिली थी, अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव को नोटिस भेज दिया है और चारा घोटाला केस में जो जमानत उन्हें मिली है उस पर जवाब मांगा है। तो ये जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा झटका है, उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे, क्योंकि सीबीआई उनकी जमानत के खिलाफ है। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें चारा घोटाले में जमानत दी थी, जिसके बाद अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जो कि कई भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप उन पर लगे हैं, जेल में वो जा चुके हैं और एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को जो जमानत मिली थी उसके खिलाफ अब ये नोटिस जारी किया है। दरअसल चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने एक याचिका दायर की थी और कोर्ट ने नोटिस जारी कर अब लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मूल याचिका के साथ सीबीआई की इस याचिका को भी शामिल किया है। कोर्ट में जो याचिका सीबीआई की ओर से दायर की गई थी, उसमें जाहिर तौर पर झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहाई मिली और लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार दिए जाने के चलते लालू फिलहाल जेल में ही है। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। लेकिन इस तरीके से मुश्किलें जो है वो लालू प्रसाद यादव जो की आरजेडी के प्रमुख हैं, उनकी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ चारा घोटाला है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लालू प्रसाद यादव को जारी कर दिया है जिस पर जवाब मांगा गया है, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा घोटाला है, ये आरोप लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर है कि बिहार में नौकरी देने के बदले जमीन जो है वो ली गई है, तो इसको लेकर भी मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि उसमें ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि उनके बेटे उनकी बेटी पर भी कई आरोप है। तो ऐसे में लगातार आरजेडी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बात अगर चारा घोटाले की जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है, तो सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के जमानत देने वाले आदेश को चुनौती दी थी और सीबीआई ने ये कहा था कि जमानत आदेश का जो आधार है वो दरअसल सही नहीं है और लालू यादव ने अपेक्षित समय जेल में नहीं बिताया है। ये सीबीआई की ओर से अपनी याचिका में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, जिसके बाद इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई ने ये कहा है कि जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव पहले ही सजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को लेकर दिए गए झारखंड हाई कोर्ट के दो फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की अवधि जो है वो गुजर जाने के को आधार पर मानकर जमानत दी थी और वहीं सजा को निलंबित कर दिया था। सीबीआई ने हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और झारखंड हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल 2021 को चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा की अवधि पूरी होने पर जमानत दे दी थी, इससे जेल से उनकी रिहाई हो गई थी। तो इस तरीके से ये पूरा घोटाला है, चारा घोटाला, जिसमें अलग अलग मामले हैं और अलग अलग मामलों में जो है आरोपी हैं लालू प्रसाद यादव और मुख्य आरोपी वही बताए जाते हैं, तो वो इस पूरे मामले में जेल भी जा चुके हैं। लेकिन लगातार मुश्किलें अब इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जमानत उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने दे दी थी, लेकिन उसके बाद
सीबीआई ने ये कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने जो जमानत दी उसका आधार सही नहीं था। ये दलील वहां दी गई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे अब जमानत पर जवाब मांगा गया है। आपको ये बता दें कि दुमका जो मामला है उसमें 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को 14 साल की जेल की सजा सुनाते हुए रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कम से 60 लाख रुपए और 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ये पूरा मामला 1990 के दशक की शुरुआत में दुमका कोषागार से धोखाधड़ी से 3.13 करोड़ रुपए के निकालने से जुड़ा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल 2021 और 9 अक्टूबर 2020 को लालू प्रसाद यादव को अलग अलग मामले में जमानत दी थी। इस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया था जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे जो जमानत लालू प्रसाद यादव को मिली इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई जिसके बाद अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगा गया है। मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, जब वो मंत्री भी थे, तब उन पर कई घोटालों के आरोप लगे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि लालू परिवार पर रेलवे में लैंड फॉर जॉब स्कैम का भी केस चल रहा है। पूछताछ उनकी बेटियों और उनके बेटों से लगातार हो रही है जिसमें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राखी देवी और राज्यसभा सांसद जो हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को भी जमानत दी। वो 15 मार्च को स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हुए थे। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी भी जांच कर रही है। कई घंटों की पूछताछ जो है वो मीसा भारती से हो चुकी है। साथ ही आपको ये बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनसे भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। छापेमारी का दौर भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये तब का मामला है जब लालू प्रसाद यादव की पत्नी जो है राखी देवी मुख्यमंत्री थी और उस वक्त बताया ये जा रहा है कि जो नौकरी दी गई उसके बदले लोगों से जमीन ली गई, तब जाकर उन्हें रेलवे में नौकरी दी गई है। इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और ईडी ने छापेमारी के बाद 1 करोड़ रुपए कैश जब्त करने के साथ साथ 600 करोड़ रुपए का ये पूरा जो है नौकरी स्कैम है ये ईडी की तरफ से खुलासा किया गया था। तो इस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है आरजेडी प्रमुख का, वो कहीं ना कहीं घोटालों की वजह से जाना जाता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जिन पर कई भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं मुश्किलें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। लगातार उनसे पूछताछ भी कई मामलों में हुई है जिसको लेकर अब एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस पूरे मामले में उनसे जवाब मांगा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।